नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां आज हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी में प्रवाहित कर दी गई। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियों को लेने के लिए उनकी दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी सुबह दिल्ली छावनी स्थित बरार स्क्वायर अंत्येष्टि स्थल पर पहुंची थीं, जहां अस्थि विसर्जन से पूर्व के अनुष्ठान के बाद दोनों की अस्थियों को कलश में रखा गया। उसके बाद जनरल रावत की दोनों बेटियां हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। जनरल रावत की दोनों बेटियों के साथ उनके चाचा और पूर्व सैन्य अधिकारी विजय रावत, मामा यशवर्धन सिंह तथा कुछ अन्य रिश्तेदार भी थे। अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंचने के बाद कुछ अनुष्ठान किए गए और फिर अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। इस दौरान सेना और स्थानीय प्रशासन की ओर से तमाम तरह के प्रबंध किए गए थे। जनरल रावत तथा उनकी पत्नी का अस्थि कलश जब हरिद्वार पहुंचा तो लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा रावत जी का नाम रहेगा और जनरल रावत अमर रहे जैसे नारे लगाए। दूसरी ओर तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए 5 और सैन्यकर्मियों के शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके गृह नगरों में भेजा जा रहा है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि शेष शवों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन सैन्यकर्मियों के शवों की पिछले कुछ घंटों में पहचान की गई है वे हैं जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप, विंग कमांडर PS चौहान, JWO राणा प्रताप दास, लांस नायक B साई तेजा और लांस नायक विवेक कुमार। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 5 सैन्यकर्मियों के पार्थिव शरीरों को आज सुबह उनके पारिवारिक सदस्यों के पास भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 5 सैन्यकर्मियों के शवों का उचित सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें हवाई मार्ग से उनके गृह नगरों में भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में बुधवार को सेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण जनरल रावत, उनकी पत्नी ब्रिगेडियर लिद्दर और 10 अन्य रक्षाकर्मियों की मौत हो गई थी। सभी शवों को दुर्घटना के एक दिन बाद गुरुवार शाम को तमिलनाडु के सुलूर से दिल्ली लाया गया था। जिन शवों की पहचान नहीं हुई है उन्हें दिल्ली छावनी के आर्मी बेस अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।